हेलो फ्रेंड, कैसे उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे चार ब्रेड का बहुत ही टेस्टी और यम्मी पकौड़े, तो ब्रेड का आप लोगों ने बहुत खाए होंगे। तो चलिए, आज इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोग इस तरह से कैसे बना सकते हैं। इस तरह से कट कर ले इसे बीच से, चार तीन भागों में मैं इसे इस तरह से लंबा शेप में आप कट करें। आप चाहें तो एक एक करके भी इसे कट कर सकते। सबसे पहले 3 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, इस तरह से आप भी ले। 2 चम्मच के लगभग मैंने मैदा लिए हैं, इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। यहाँ मैंने लहसुन और हरे मिर्च को कूट लिए हैं। आप भी इसे अच्छे से ग्रेट कर लिए या ग्राइंडर जार में डाल करके इसे पीस सकते हैं। यहाँ कुछ मसाले हैं, उसे मैं ऐड कर दूँगी इसमें। 1/2 चम्मच के लगभग, आधे से 1 चम्मच के लगभग खाने वाले स्पून से मैंने यहाँ पे नमक लिए हैं, इसे ऐड करूँगी। तो चलिए, मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर लेती हूँ। 1/2 चम्मच के लगभग आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड करें, चिली फ्लैक्स ऐड कर लें। तीखा ही ये ज़्यादातर पसंद आता है। गरम मसाले 1/2 चम्मच से थोड़ा सा मैं कम ली हूँ। सब्जी मसाला ऐड कर लें, थोड़े से चिली पाउडर आप ऐड कर लें। इन सबको मिक्स करें, थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करें। या आप चाहें तो इससे आसानी से इससे भी अच्छे से मिक्स हो जाता है, ज़्यादा पतला ना करें इसे, इस तरह से मिक्स करें। इधर में आप देख सकते हैं, मैंने रिफाइन ऑयल या सरसों ऑयल में आप इसे अच्छे से बनाएं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये होता है। तो चलिए, मैं इसे इधर मैंने ब्रेड को भी कट कर लिए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आप इसे करें, आप देख सकते हैं तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। एक एक करके आप इस तरह से इसे डालते जाएं और धीमी फ्लेम रखें, अधिक तेज ना रखें। बहुत ही टेस्टी और यम्मी क्रिस्पी होगा। अगर आप लोग एक बार बनाएंगे, बहुत ही झटपट बन भी जाता है और बहुत ही टेस्टी यम्मी लगता भी है। और इसमें तेल भी बहुत कम लगते हैं, अधिक आप देख सकते हैं मैंने अधिक तेल भी नहीं यूज किए हैं इसमें। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए इसे। थोड़ी देर में गोल्डन कलर होने तक आप दोनों तरफ से इसे पलट पलट करके एक बार में अधिक ना डालें, नहीं तो पलटने में दिक्कत होगी। इसी तरह से आप भी बनाएं, इसी तरह से आप भी इसे पलट करके अच्छे से गोल्डन होने तक इसे ना, बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी इतनी होती है कि मैं क्या बताऊँ। बच्चे तो इसे मांग मांग करके खाएंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, संडे स्पेशल में। तो चलिए, मैं इसे पलट लेती हूँ। इस समय आप थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर दें, जिससे ये गोल्डन कलर में आ जाए। ऐसे आप भी इसे पलट ले, देख सकते हैं इस तरह से एक एक करके, तरह से दोनों तरफ से इसे अच्छे से पकने दें। लीजिए, आप लोग का गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तैयार है। आप लोग भी इसे इसी तरह से बनाएं और कैसा बना मुझसे शेयर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।